हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका BHU एग्री वर्ल्ड में। फ्रेंड्स, इस चैनल के माध्यम से हम आपको BHU के BSc एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड सभी जानकारी देंगे, जिससे आप BHU UET को आसानी से क्रैक कर सकें। फ्रेंड्स, BHU में एग्रीकल्चर के कोर्स इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंस द्वारा कराया जाता है, जो कि 4 साल का बैचलर डिग्री होता है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंस में मौजूद सभी फैसिलिटीज़ के बारे में पूर्ण जानकारी देंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको BHU यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ बेसिक जानकारी देना चाहेंगे। हालांकि आपको जानकारी होंगे, लेकिन हम फिर भी आपको कुछ बेसिक जानकारी देना चाहते हैं। फ्रेंड्स, अगर BHU की बात करें तो हाल ही में BHU को इंडिया के टॉप 3rd यूनिवर्सिटी की रैंक प्राप्त हुई है। वहीं एशिया में यह सबसे बड़ा लार्जेस्ट रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी है, जहाँ पे कुल 30,000 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स यहाँ पे अभी पढ़ाई करते हैं और उनको यहाँ पे रहने की भी व्यवस्था होती है। BHU का हमारा 2 कैंपस है, एक मेन कैंपस जो कि बनारस में स्थित है और यह 1300 एकड़ में फैला हुआ है। वहीं इसका जो दूसरा कैंपस है वो साउथ कैंपस बरकच्छा मिर्ज़ापुर में स्थित है, जिसको राजीव गांधी साउथ कैंपस बोला जाता है, जो कि 2700 एकड़ में फैला हुआ है। अगर यहाँ BHU में मौजूद फैसिलिटीज़ की बात करें तो यहाँ पर कुल 75 से भी ज़्यादा हॉस्टल्स हैं, दोनों बॉयज़ और गर्ल्स को मिलाकर, और कैंपस जो है वो पूरा रैगिंग फ्री है, जहाँ का इन्वायरमेंट काफ़ी ही अच्छा है। चारों तरफ आपको ग्रीनरी ही दिखेगा, और जिसके कारण पेड़ पौधों के कारण यहाँ का जो टेम्परेचर है वो कहीं ना कहीं बाकी बाहर के जो मेन शहर है वहाँ से 3 से 4 डिग्री कम ही होता है गर्मी के दिनों में। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ की बात करें तो यहाँ पर इन कैंपस बस सेवा हो चलती है, जो कि स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल फ्री होती है, और इसके अलावा बच्चों के स्वास्थ्य के लिए यहाँ पे हेल्थ सेंटर भी है, जहाँ पे मुफ्त में इलाज होता है, जो कि यूनिवर्सिटी की तरफ से सभी छात्रों को ये सुविधा मुहैया कराई जाती है। तो चलिए हम अब बात करते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंस, जहाँ पर BSc एग्रीकल्चर की पढ़ाई होती है। तो इसकी बात करें तो इसका इस्टेब्लिशमेंट 1931 में हुआ था, और यह अभी तक के 2 सबसे पुराने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैं, उसमें से यह एक है, जो कि अपने आप में एक इसको सभी यूनिवर्सिटी से अलग और ख़ास बनाता है। फ्रेंड्स, अगर BHU BSc एग्रीकल्चर में एडमिशन की बात करें तो इसका एडमिशन आपको यूनिवर्सिटी द्वारा कराए जाने वाले अंडर ग्रेजुएट इंट्रेंस टेस्ट के थ्रू, यानी UET के थ्रू होता है, और इसके लिए प्रतिवर्ष आपको काफ़ी तादाद में अप्लीकेशंस आते हैं। अगर पिछले साल की बात करें तो 85,000 से भी ज़्यादा अप्लीकेशंस आए थे, और नंबर ऑफ सीट्स की बात करें तो मेन कैंपस जो BHU का है उसमें आपको 123 सीट हैं, और जो बरकच्छा में साउथ कैंपस है वहाँ पर 40 सीट हैं। सीट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम अलग से नया वीडियो लाएंगे, जहाँ पे हम आपको पूरी जानकारी देंगे। फिलहाल हम बात करते हैं यहाँ पे इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंस में मौजूद फैसिलिटीज़ की। तो यहाँ पर वेल क्वालिफाइड आपको प्रोफेसर्स हैं, जो कि काफ़ी अच्छे से यहाँ पर आप पढ़ाते हैं, और रेगुलर थ्योरी और प्रैक्टिकल क्लासेस डेली होती हैं। इसके अलावा अगर लाइब्रेरी की बात करें तो इंस्टीट्यूट की एक अपनी लाइब्रेरी है, जहाँ पर एग्रीकल्चर से रिलेटेड तमाम बुक वहाँ पे मिलते हैं। इसके अलावा जो जर्नल्स जो कि ICAR द्वारा रिलीज किए जाते हैं, वो सभी चीज़ें वहाँ पर मौजूद होती हैं, और वहाँ पे आराम से जा कर के कोई भी किताब लेकर इशू कराया जा सकता है और उसको पढ़ा जा सकता है। एग्रीकल्चर के अलावा अगर आप और ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हैं अलग अलग चीज़ों के बारे में, तो उसके लिए सेंट्रल लाइब्रेरी और साइबर लाइब्रेरी है, जहाँ पर आप जा कर के अलग अलग पुस्तकों के माध्यम से अपने जानकारी को बढ़ा सकते हैं। साइबर लाइब्रेरी की बात करें तो साइबर लाइब्रेरी में 500 से भी ज़्यादा कंप्यूटर सिस्टम उपलब्ध है, जहाँ पर आप जा कर के वहाँ पर अपने रुचि के अनुसार जिस चीज़ के बारे में जानकारी चाहते हैं वहाँ पर आप जानकारी ले सकते हैं और पढ़ाई कर सकते हैं। और डेयरी और रिसर्च फार्म है, जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंस के अंतर्गत आता है, जहाँ पर डेली प्रैक्टिकल कराए जाते हैं,
और वेल इक्विप्ड लैब है जहाँ पर आधुनिक मशीनों के साथ बच्चों को वहाँ ट्रेनिंग किया जाता है, उनको प्रैक्टिकली सब कुछ दिखाया जाता है। और जो कैंपस है वो पूरा फुली वाईफाई कैंपस है। पूरे बीएचयू के किसी भी कोने में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको पूरी फुली वाईफाई कैंप मिलेगा और पूरे 4G स्पीड्स के साथ। इसके अलावा जो ट्रांसपोर्ट के जो हमने पहले ही बता दिया है कि वो ट्रांसपोर्ट हमारे इंस्टीट्यूट के साथ साथ पूरे यूनिवर्सिटी के लिए वो फैसिलिटी है और वो बच्चों के लिए बिल्कुल ही मुफ्त है। इन सभी के अलावा एक्स्ट्रा करिकुलम के लिए यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन सुविधाएं हैं। स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ जो है वो बहुत ही बेहतर है। एग्रीकल्चर के लिए एक अलग एग्रीकल्चर ग्राउंड है जहाँ पर इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंस के जो बच्चे हैं वहाँ पर जा कर के खेल सकते हैं। वहाँ पर क्रिकेट के अलावा बास्केटबॉल, टेनिस, फुटबॉल इन सभी के लिए वहाँ पर ग्राउंड मौजूद है। इसके अलावा स्विमिंग में जो जिनका इंटरेस्ट है उनके लिए स्विमिंग पूल की व्यवस्था है और जिम की व्यवस्था है जहाँ पर अगर आप फिटनेस कॉन्शियस हैं तो वहाँ पर आप जाकर जिम की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा NSS का कार्यक्रम चलाया जाता है, नेशनल सर्विस स्कीम, जिसकी बकायदा आपको सर्टिफिकेट भी दी जाती है जो कि आप आगे आपको करियर में काफ़ी हेल्पफुल होता है। और पूरे स्टूडेंट्स के ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए कल्चरल प्रोग्राम का टाइम टू टाइम आयोजन किया जाता है। अलग अलग बच्चों के अंतर की जो प्रतिभा है उसको बाहर निकाल उभारने के लिए अलग अलग इंस्टीट्यूट लेवल पर, यूनिवर्सिटी लेवल पर समय समय पर अलग अलग प्रोग्राम्स का आयोजन किया जाता है। हॉस्टल फैसिलिटीज़ की बात करें तो बॉयज़ और गर्ल्स के लिए दोनों ही अलग अलग हॉस्टल्स हैं और बॉयज़ में भी अंडर ग्रेजुएट का अलग हॉस्टल है और उसके अलावा जो PG पोस्ट ग्रेजुएट और PhD के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अलग हॉस्टल की व्यवस्था है। हॉस्टल में आपको 24/7 इलेक्ट्रिसिटी और पानी का सप्लाई मिलेगा और कैंटीन और हॉस्टल के अंदर ही मेस और कैंटीन की भी व्यवस्था है जहां पर बहुत ही अच्छे क्वालिटी के आपको खाना और नाश्ता सब कुछ आपको नॉमिनल रेट पर मिलेगा। हॉस्टल के कैंपस के अंदर ही बैडमिंटन कोर्ट, बास्केटबॉल कोर्ट और टेबल टेनिस कोर्ट की व्यवस्था है जहाँ पर आप शाम को खेल सकते हैं। वहाँ पर स्टूडेंट्स शाम को जाकर रिफ्रेश होते हैं। इसके अलावा हॉस्टल में भी लाइब्रेरी की सुविधा है जहाँ पर आप जाकर पढ़ाई कर सकते हैं। यहाँ से भी आप अपने मन के हिसाब से बुक ले सकते हैं, इशू करा सकते हैं और उसको पढ़ सकते हैं। फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में बस इतना ही, जिसमें हम आपको BHU और इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंस के बारे में कुछ शॉर्ट जानकारी देने की दिया। और इसके बाद हम अपकमिंग वीडियोस में हम आपको ये बताएंगे कि कैसे आपको इसके लिए प्रिपरेशन करना है, किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, पैटर्न क्या होता है। इन तमाम चीज़ों पर हम आपके लिए वीडियो लाएंगे और इन अपकमिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। और इसके अलावा यदि आपका कोई प्रश्न है तो वो डायरेक्ट हमसे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं और उसका हम वीडियो के माध्यम से हम जवाब देने की कोशिश करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।